आपको हमारी चैनल देसी कुकिंग फॉर बिगनर्स में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी पसंदे। इसके लिए हमने लिए हैं 4 पाउंड पसंदे। ये देखिए बिल्कुल पतले पतले और लंबे लंबे हमने शेप में कटवा लिए हैं और हमने इनको अच्छी तरीके से धो के पानी में भिगो के छोड़ दिया ताकि सारा खून निकल जाए और अब हमने इसको छान के रखा है ताकि अभी भी सारा पानी निकल जाए। इसके साथ ही हमने 4 प्याज छीली है, छील के रखी है और तकरीबन 3 इंच का अदरक का मोटे से अदरक का टुकड़ा है। हम इसके अंदर लहसुन बिल्कुल नहीं डालेंगे। हम प्याज और अदरक को पीस के और इसके साथ पपीता वो भी पीस के इसको मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करके हम इसको दही भी डालेंगे, गर्म मसाला भी डालेंगे। हम आपको सारे मसाले बाद में दिखाएंगे, अभी हम आपको सिर्फ ये चीजें दिखा रहे हैं कि ये चीजें इसकी बेसिक चीजें हैं, ये प्याज अदरक और ये गोश्त। हमने आपको 4 प्याज दिखाई थी, इसको हमने काट लिया है और अदरक का जो 3 इंच का तकरीबन टुकड़ा दिखाया था वो भी काट लिया। अब हम इसको मिलाकर पीस लेंगे। गोश्त हमारा धुला हुआ रखा है, हमने इसको आधे घंटे तक छोड़ दिया था छन्नी में डालकर, इसका सारा पानी छन चुका है। अब ये सिर्फ अब इस गोश्त में हम मसाले को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम प्याज और अदरक को पीसेंगे। ये हमने डाल दिया है ब्लेंडर में और हम इसको पीसेंगे और हमको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बगैर पानी के पीसना है। ये हमने सारे प्याज और अदरक मिलाकर पीस लिया है और अब हम इसको अपने बर्तन में निकाल लेंगे। और अब हम इसको गोश्त में डाल देंगे। अब इसमें हम ये जो खुश्क मसाले ये डालेंगे, हमने लिया है 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 2 ही टेबल स्पून में हमारे पास जीरा और काली मिर्च। काली मिर्च और जीरा मिला के हमेशा पीस के रखते हैं क्योंकि हमारे खानों में बहुत इस्तेमाल की जाती है। तो ये 2 चम्मच जो है जीरा और काली मिर्च है पिसी हुई, 2 ही चम्मच पिसी हुई खशखाश और 2 चम्मच नमक है। इसको भी हम इसमें डाल देंगे सबको। इसके अलावा हम इसमें तकरीबन डालेंगे 500 ग्राम दही। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये और हम इसको मिक्स कर रहे हैं और इसके अंदर हम आधा कप सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल, पका हुआ नहीं, कच्चा सरसों का तेल आधा कप डालेंगे और हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये हाथ से ही सही से मिक्स होगा तो फिर इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आएगा। हम इसको रात भर मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, रात भर नहीं तो कम से कम 4 घंटे तो इसको जरूर छोड़ना है ताकि मसाले अंदर तक मिक्स हो जाए और फिर उसके बाद इसको इसी तरीके से पतीली में डाल के चढ़ा देना है। अब इसमें मजीद कोई मसाला नहीं डालेगा। मिर्च हमने कम इसलिए डाली है क्योंकि काली मिर्च भी इसमें डली है और अब बस अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद हम इसमें पपीता मिक्स करेंगे। कच्चा पपीता हमने पीस के रखा हुआ है वो हम इसमें मिक्स करेंगे। अगर अभी से पपीता डाल देंगे तो गोश्त बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अब हम इसमें 2 घंटे के बाद पपीता डालेंगे, 2-3 घंटे के बाद, ताकि पपीते का भी टेस्ट आ जाए। देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, हर हर बोटी पे, हर हर गोश्त के पीस पर मसाला लग चुका है और अब हम इसको मैरिनेट हमने अच्छी तरीके से कर लिया। इसको रख के छोड़ देंगे, फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ तो ठंड है इसलिए ठंड में रह जाता है बाहर, बाहर इलाकों में गर्मी है तो वहां तो बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ा जा सकता गोश्त, क्योंकि गोश्त बहुत जल्दी नाजुक होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से मैरिनेट हो गया है, इसको हमने मैरिनेट हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसके अंदर पपीता मिलाएंगे। ये देखिए पपीता पीस के हमने पहले से रखा हुआ था, 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें पपीता डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि पपीता इसमें लग जाए। अब हमने देखे अच्छी तरीके से पपीता इसमें मिक्स किया है, खूब मलमल के ताकि एक एक बोटी पे लग जाए और अच्छी तरीके से पपीता मिलाने के बाद हम अब इसको मजीद 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। पहले हमने इसको 4 घंटे के लिए छोड़ा था, अब हम इसको 2 घंटे के लिए मजीद छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको पकाएंगे।
हम चाहें तो रात भर भी छोड़ सकते हैं, मगर रात भर छोड़ने से बहुत ज़्यादा पपीता लगने से ये गल जाएगा और गोश्त बिल्कुल रेशे रेशे हो जाएगा, इसलिए हम इसको अब 2 घंटे के बाद ही चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। 6 घंटे मैरिनेट हो चुके हैं, अब हम इसके को जो हमने चूल्हे पे रख दिया और हम चूल्हा जला रहे हैं। चूल्हा जलाने के बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे और इसको पकने देंगे। अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं, इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको हल्की आग पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल ही पक के अच्छा सा तैयार हो जाए। जब ये बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो जाएगा तो हम इसको भून लेंगे और इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह सब टेस्ट कर लेंगे कि सही है, मुनासिब है, कम है, ज्यादा है, क्योंकि नमक हम पहले शुरू में कम डालते हैं और बाद में पकते वक्त फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि नमक तेज हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, कम नमक तो और डाला जा सकता है। ढक देंगे और इसको आहिस्ता आग पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक के ये गल ना जाए। बीच बीच में हर आधे 1 घंटे बाद हम खोल के इसको चेक करते रहेंगे कि गोश्त कितना गला है। जब ये गल जाएगा तो फिर